सुना है तुम मरना चाहती हो, तुम्हारे प्राण लेने के लिए यमदूत क्या स्वयं यमराज भी हमारे आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आ सकते। तुम तभी मरोगी जब स्वयं हम चाहेंगे। अरे सुंदरी, तुमने अभी तक रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर घमंड करता है वो शक्तियाँ तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित हो गई है। न केवल शक्तियाँ पर हम उन शक्तियों को वरदान देने वाले शिव और ब्रह्मा भी तेरे पापों के कारण कलंकित हो गए हैं। याद रखना, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भ्रष्ट शक्तियों की अवकाश सेना उसके सामने समाप्त हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को पराजित किया है, एक पवित्र पतिव्रता स्त्री को तेरा सामना नहीं हुआ है। करी मूर्ख, तूने पाप प्रीति से एक बार पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है, इतना ही दोष तेरे नाश के लिए काफी है। मेरे शूरवीर धर्म परायण पति तेरा नाश कर देंगे। अपने राज्य से निकाला हुआ तरतर भटकता हुआ वो वनवासी, उसके सपना देखना छोड़ दे, वो कभी सच नहीं हो पाएगा। सपना देखो तो लंका की महारानी बनने का। सीते, तुम सिर्फ हाँ कहने की तुम्हारी देरी है, तुम आज भी लंका की महारानी बन सकती हो। सीते, जो रावण, जो त्रिलोकी रावण तीनों लोक में किसी के सामने शीश नहीं झुका था, वो शीश तुम्हारे चरणों में झुका रहा है। तुम्हारे हाँ कहने से तुम प्रिय पत्नी हो जाऊंगी। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।